वापस नहीं आएगी। शायद आ जाए। उरु, उरु। डैडी, आपने उसकी इंसल्ट क्यों की? तुम बेकी की बात नहीं कर रहे हो, है ना? डॉरी की याद आ रही है। मुझे भी। सच कहूं तो मुझे उसकी बहुत फिकर है। हमारी हालत देखे उसे हमारी फिकर होगी। वैसे वो यहाँ होती तो निकलने का रास्ता जरूर ढूंढ लेती। मालूम नहीं वो ये कैसे कर लेती है। उसे खुद पता नहीं डैडी, बस वो कर लेती है। अच्छा तो हम कुछ सोचते हैं। डॉरी क्या करती? हाँ डॉरी क्या करती? हाँ डॉरी होती तो क्या करती? पहले वो प्रॉब्लम को पूरी तरह समझती, फिर सोचती, फिर सबसे बेहतर आइडिया यूज करती। डैड, ये डॉरी का नहीं आपका तरीका है। हाँ मैं तो ऐसा ही करता, पर वो जरा भी नहीं सोचती। वो बेफिक्र होके आगे बढ़ती और काम बन ही जाता। डॉरी ऐसा करती। नीमो मेरे साथ ही रहना। सांस लेते रहना। तुम ठीक हो? हाँ, अब डॉरी क्या करती? कौन डॉरी? तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझसे मिलके खुशी हुई? आपसे भी मिलके खुशी हुई। इतने सालों से मुझसे किसी ने बात नहीं की। सालों से? ओह खैर हम भी रुक नहीं पाएंगे क्योंकि हमें भी जाना है। ऐसे कैसे भाई साहब, अभी अभी तो मिले हो, जरा वो बातें करो, अपने दुख दर्द बताते जाओ। जरूर बताता, लेकिन मुझे और मेरे बेटे को अस्पताल जाना है। बहुत ही प्यारा बेटा है तुम्हारा। वो तो है, मोती जैसा अमोल। मेरे पास चार चमचमाते मोती थे। अच्छा कमाल है। पर एक एक करके सारे मोती चले गए और बस ये एक ही रह गया है मेरे पास। अब मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं बहुत ही अकेला हूँ। मेरे मोती। आप डॉरी क्या करते? आइए इसको